आपको अपडेट कर रहे हैं, कल दोपहर को बीजेपी कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसी वक्त लिस्ट भी आ सकती है। लेटेस्ट अपडेट ये है, अदिति नागर दिल्ली ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। इस वक्त कितना वक्त लग सकता है अदिति इस फहरिस्त को लेकर? देखिए आपको अपडेट ये देना चाहेंगे फिलहाल, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार था लगातार कि कितनी देर में पहली लिस्ट आएगी, क्योंकि ये उम्मीद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से रहती है कि जब भी वो पहली लिस्ट आएगी या वो कुछ काम करते हैं तो उसमें नयापन होता है, झटका भी होता है। तो इंतजार था कि वो क्या झटका होगा, लेकिन आपको अपडेट दें, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, दादर नादर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, केरल और जम्मू कश्मीर, ये वो राज्य हैं जिन पर चर्चा हो चुकी है अभी तक पीएसी की बैठक में। अब उत्तराखंड पे चर्चा चल रही है और इसके बाद तेलंगाना, बड़ा राज्य महाराष्ट्र, उससे बड़ा पॉलिटिकली बड़ा राज्य बिहार, आंध्र प्रदेश, ये वो राज्य हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी 2 बजे तक बैठक चलेगी और ये भी उम्मीद है कि आज लिस्ट नहीं आएगी जिसका इंतजार था, लिस्ट कल दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और लिस्ट को अनाउंस किया जाएगा, जारी किया जाएगा। अदिति इस बीच क्या माने कि कल 10 बजे से जो चर्चा ये थी कि यूपी को लेकर बैठक हो सकती है, तो यूपी को लेकर बैठक कंप्लीट होने के बाद ही ये फहरिस्त आए, क्योंकि अब हम जो खबर चला रहे हैं उसके मुताबिक कल दोपहर तक पहली फहरिस्त आ सकती है? रीमा देखिए, ये फिलहाल जो कल पहली लिस्ट आएगी उसमें ये सारे राज्य होंगे जो मैंने आपको बताया। अगर आप एक बार और दर्शकों को बता देते हैं, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, दादर नागर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, केरल, जम्मू कश्मीर, इन पर चर्चा हो चुकी है और अभी जो आपको चर्चा हो रही है वो उत्तराखंड है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश से चर्चा होनी बाकी है। यानी यही वो राज्य है जिनके पास लिस्ट आएगी, जिनके अंदर लिस्ट आएगी, यही उन्हीं राज्यों में से लिस्ट होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में से कुछ बड़े नाम जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राजनाथ सिंह के बड़े नाम हो, लेकिन कोर ग्रुप अभी कल सुबह 10 बजे अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश का बैठेगा और जो 18 तारीख को होने वाली जो सीईसी की बैठक है उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश के भारी संख्या में नामों का अनाउंसमेंट हो, लेकिन फिलहाल जो कल दोपहर में होगी वो उन्हीं राज्यों की लिस्ट आएगी जो आज रात को चर्चा में थे, जो आज रात को जी। चलिए अब दर्शकों को भी क्लियर हो चुका होगा। अदिति फिलहाल शुक्रिया, आगे भी हम आपका रुख करेंगे।